मैं हूं आपका दोस्त क्रिस्टोफर दारूवाला और ये है मेरा हाइड आउट, जहां मैं हर चीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं। ऐसा क्यों और कैसे होता है। जैसे कि ये बलून, मैं उसको फुलाने की कोशिश कर रहा हूं और ये फूलता ही नहीं। क्या आपने कभी बलून को बोतल के अंदर डाल के फुलाने की कोशिश की है? डेली लाइफ में ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं और जानते भी नहीं। ऐसे सवाल मेरे दिमाग में आते रहते हैं एंड आई एम श्योर दीपिका और शिवम के दिमाग में भी आ रहे होंगे। आखिर ऐसा होता क्यों है? टॉर्च लाइट क्यों देती है? पंखा हवा क्यों? बड़े बड़े जहाज पानी में डूब क्यों नहीं जाते? छोटी छोटी पतंगे हवा में उड़ कैसे लेती है? टीवी पे पिक्चर कैसे आती है? टेलीफोन में आवाज? हम पेट्रोल पीकर क्यों नहीं चलते और गाड़ियाँ खाना खाकर? अगर ये दुनिया सचमुच गोल है तो हम फिसल कर गिर क्यों नहीं जाते? क्यों? आखिर क्यों? ये क्यों? What, when, how? This is what science is all about. आफ्टर ऑल साइंस हर चीज में होती है, उठने में, कूदने में, खेलने में, सोने में, खाने में, पीने में। ये जो आप टीवी देख रहे हैं ना, इसमें भी साइंस होती है और इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे। आप इनको भी देखिए। सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें डूबती हैं और कुछ नहीं? Why do certain things float and others sink? हल्की सी पत्ती या मोटी ताजी भैंस और हिप्पोपोटामस। नाव तो समझे, पर रस्सी जैसा सांप भी तैरता है। लेकिन हल्की सी सुई, बटन और सिक्का तो फट से डूब जाते हैं। तो कैसे पता चले कि डूबने या तैरने का राज क्या है? चलिए बराबर वजन के दो आकार बनाते हैं, एक नाव, एक गोला। नाव तो तैर रही है, लेकिन गोला पहुंच गया सतह पर। मतलब अकेला वजन तय नहीं करता डूबना या तैरना। तो क्या आकार मतलब शेप कारण है? ये भी देखते हैं कुछ गोल बॉल्स की मदद से। छोटी मगर भारी गेंदें तो डूब गईं, लेकिन हल्की पर बड़ी बॉल मजे में तैर रही है। मतलब सिर्फ आकार भी डूबने या तैरने का कारण नहीं। लॉजिकली एक बात तो क्लियर है, किसी भी चीज का तैरना या डूबना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो कितनी भारी है या कितनी हल्की है, यानी कि उसका वेट क्या है। ना ही सिर्फ इस पर कि वो कितनी छोटी या बड़ी है, और ना ही इस पर कि उसका शेप यानी कि उसका आकार क्या है। तो किस बात पे डिपेंड करता है किसी चीज का डूबना या तैरना? अब तो केटू से ही पूछना पड़ेगा। केटू हमारी साइंस टीचर बहुत एक्सपर्ट है, सब जानती है, लेकिन जवाब मांगती है, क्वेश्चंस पूछती है। अरे अरे, आप तो साइंस टीचर का नाम सुनते ही रिमोट उठाने लगे, हमें दूर भगाने लगे। अरे डरिए नहीं, केटू बहुत स्पेशल है। हम बच्चों की इस साइंस की दुनिया की सबसे मजेदार और इम्पोर्टेंट मेंबर है। गुड, तुम लोग आ गए। शिवम, ये पकड़ो, इसे जोर जोर से घुमाओ, और दीपिका तुम ऐसे आवाज निकालो। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। चलो। केटू केटू प्लीज, अभी नहीं, अभी तो आप हमें कुछ बताइए। प्लीज बताइए ना, क्यों कुछ चीजें डूब जाती हैं और कुछ नहीं? खुद सोचो, क्या होता है जब कोई भी चीज पानी में जाती है? वो पानी को नीचे धक्का देती है। राइट, धक्का देती है अपनी वेट की वजह से, जो वो पाती है ग्रेविटी की वजह से, और वो पानी में अपने लिए जगह बनाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। और अब हम नहीं बताते। क्या केटू, आप तो हम ही से ही सवाल पूछने लग गई। ओके, आई एम सॉरी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है ये तो तुम लोग जानते हो ना। हर चीज जगह घेरती है, चाहे कम चाहे ज्यादा। जितनी वो जगह घेरती है उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। और ये भी फ्लोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम दोनों खुद पता करो क्यों और कैसे। जाओ शिवम, वो स्प्रिंग बैलेंस ले लो। अब मिलेगा सब कुछ किचन और बाथरूम में। बाय बाय, हैप्पी एक्सपेरिमेंटिंग। एक छोटा सा मैजिक। मैच स्टिक नंबर 1, 2, 3 डाला मैंने पानी में। मैजिक लिक्विड। अरे ये तो स्पीड बोट की तरह चारों तरफ भाग रही है। अब मैं इन तीनों को मिलाने की कोशिश करता हूं, मगर कैसे? एड्यूसैट, ब्रिजिंग द डिवाइड। EDUSAT will have 6 KU band high-power transponders and 6 extended C-band transponders. The 6 KU band transponders of GSAT-3 will allow 5 spot beams and 1 national beam. 6 extended C-band transponders would provide a national beam. The network could be used for conducting live virtual classroom, providing access to library database, video programs, teaching material, and radio and data broadcasting. Also, such network will enable sharing of best resources by rural educational institutes. EDUSAT could be a very effective means to carry quality educational resources to the rural areas and thus bridge the divide between rural and urban areas. क्या आपको कोई सॉल्यूशन मिला? मुझे तो मिल गया। 2 शुगर क्यूब्स पानी में। देखो कैसे वापस आ रही है। अरे मैं तो यहां बोले जा रहा हूं, वहां दीपिका और शिवम अपने एक्सपेरिमेंट के साथ रेडी हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे। तगड़क तगड़क या तगड़क मिस्टर तगड़क तगड़क। अब अपने घोड़े दौड़ाना बंद करो। अब टाइम वेस्ट किए बिना काम करो। राइट, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि फ्लोटेशन से वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट और वेट का क्या रिलेशन है। तो पहले मैं ये वाटर लेवल मार्क कर देता हूं। अरे ये तो तैर रहा है। ये कौन सी नई बात है, ये तो हम लोग रोज बाथरूम में देखते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो, अच्छे खासे तैरते मग को डुबा के मार रही हो तुम लड़कियां भी ना। बेचारा मग, बेचारा मग नहीं, भारी मग। मैं इसको ऐसे दबाकर इसका वेट बढ़ा रही हूँ। अरे देखो पानी ऊपर आ रहा है, यानी वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन जैसे जैसे तुम मग को और ज्यादा अंदर धक्का दे रही हो वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब ये कि पानी के अंदर ये जितनी जगह घेर रहा है बिल्कुल उतना ही पानी ये डिस्प्लेस भी कर रहा है। शिवम ये देखो, जब मैं इस मग को नीचे पुश कर रही हूँ ना, तब ये पानी मुझे, मतलब इस मग को ऊपर पुश कर रहा है। अरे आप थ्रस्ट पढ़ा नहीं था क्या स्कूल में? किसी भी चीज के फ्लूइड के अंदर जाने पर ऊपर की तरफ उछाल। अब थ्रस्ट वो फोर्स है जो ग्रेविटी के विरुद्ध काम करती है। ग्रेविटी के विरुद्ध मतलब पानी में जाने पर किसी भी चीज का वेट कम हो जाता है। अरे इसी प्रॉपर्टी को तो बॉयंसी कहते हैं। पानी का लेवल देखिए, बिल्कुल पहले जितना, और अब ये मग अंदर फ्लोट कर रहा है। चलो हम इस मग का वेट पानी के साथ लेते हैं। हाँ। सच में रिसाइकलिंग कमाल की चीज है, कब कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए क्या पता। carefully. Approximately 1 kg. अब हम इसका वेट पानी में डालकर देखते हैं। हाँ। अरे देखो 0 kg। मतलब पानी के अपथ्रस ने इसका वेट 0 कर दिया है। ग्रेट। आज हमने ये प्रूव किया कि कोई भी चीज जब पानी के नीचे जाती है तो वो उसे धक्का लगाती है, यानी उसे डिस्प्लेस करती है और अपने लिए जगह बनाती है। और दूसरी बात, पानी को ये दादागिरी पसंद नहीं, वो उस चीज को वापस ऊपर धक्का मारता है। इसी ऊपर के उछाल को कहते हैं अपथ्रस्ट। ग्रेट आइडिया। हर मोटे आदमी को अपना वेट पानी में लेना चाहिए, फिर कोई नहीं कह सकेगा हे कितना मोटा है। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम लोगों ने वेट, अपथ्रस्ट और डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो सब जान लिया। अब जल्दी से बता दो, कब कोई चीज पानी के अंदर फ्लोट करती है? आई हैव गॉट इट। पानी के अंदर तब कोई चीज फ्लोट करेगी जब का वेट और अपथ्रस्ट बराबर होंगे। गुड गर्ल। अब देखो साइंस का एक प्रिंसिपल। ये है आर्किमिडीज, एक ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने कई हजार साल पहले तय किया डूबने या तैरने का नियम। आर्किमिडीज ने पाया कि जब कोई चीज किसी लिक्विड में आधी या पूरी डूबती है तो उसे ऊपर की तरफ एक उछाल मिलता है। इस ऊपरी उछाल का बल विस्थापित लिक्विड मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड जितना होता है। इसीलिए फ्लोट करने के लिए किसी भी चीज को अपने वजन जितना पानी विस्थापित करना होगा। इस नियम को समझते हैं। ये प्लेट पानी में तैर रही है क्योंकि पानी का ऊपरी उछाल प्लेट के वजन से ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम प्लेट पर वजन बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्लेट पानी के और अंदर जाती है। जब प्लेट का वजन अपथ्रस्ट से ज्यादा हो जाता है तो वो डूब जाती है। K2 तो चली गई, लेकिन जाते जाते K3 छोड़ गई। K3 मतलब एक ऐसा सवाल जिसकी अभी तक हमने बात ही नहीं की। लेकिन मैं तो फ्लोटेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। सब कुछ समझ गए? हाँ। सोच लो। अरे हाँ भाई। तो ठीक है, अब हाथ ऐसे करो, ऊपर नीचे। अरे भाई दीपिका, हम पीटी कर रहे हैं, साइंस समझ रहे हैं। साइंस ही समझ रहे हैं, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि जब हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे तब क्या हमारा वेट चेंज हो रहा था? बुद्धू समझ रखा है क्या? ऑफ कोर्स नहीं बदल रहा था। बॉल जैसे कर्ल होकर पानी में जाओगे तो डूबोगे या तैरोगे? आई नो इनफ स्विमिंग फॉर दैट दीपिका। मैं क्या, अगर कोई और भी बॉल जैसे कर्ल होकर अगर पानी के अंदर जाएगा ना तो वो भी डूब जाएगा। अगर आपको पानी में तैरना है तो आपको फ्लैट लेटे रहना चाहिए और करेक्ट ब्रीदिंग करनी चाहिए। करेक्ट। इसका मतलब वेट सेम, लेकिन एक पोजीशन में तैरेंगे और दूसरे में डूबेंगे। ऐसा क्यों? ये है K3। इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। इस क्यों का जवाब तो मुझे भी नहीं पता। पानी में पैर पकड़कर गोल होकर जाओ तो डूब जाते हैं, पर सीधे लेटकर डूबते नहीं। एक आकार में एक ही व्यक्ति तैरता है, एक में नहीं। बात समझने के लिए समझनी पड़ेगी डेंसिटी या घनत्व। घनत्व मतलब चीज के मॉलिक्यूल्स कितने पास पास या दूर दूर हैं। गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, मॉलिक्यूल्स हिलते रहते हैं तभी तो आकार नहीं होता। लिक्विड्स या द्रव्य गैसेस के मुकाबले ज्यादा घने होते हैं, तभी तो वो उस चीज की शेप लेते हैं जिसमें रखे जाते हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा घनत्व है सॉलिड्स या ठोस चीजों का। इनके मॉलिक्यूल्स एक ही जगह स्थिर रहते हैं, हिलते नहीं। विज्ञान साबित कर चुका है कि जब किसी चीज का घनत्व पानी से कम है तो वो तैरती है, लेकिन अगर कोई चीज पानी से ज्यादा घनी होती है तो वो डूब जाती है। अब आप कह सकते हो कि भाई ये साइंस तो समझ में नहीं आई। भला लकड़ी या किसी दूसरे सॉलिड से बनी बोट की डेंसिटी पानी से कम कैसे हो सकती है? उसे अपने वजन से ज्यादा ऊपरी उछाल मतलब अपथ्रस्ट कैसे मिल सकता है? भाई मिल सकता है। जवाब छुपा है नाव के आकार में। नाव का आकार ऐसा है कि उसके बीच की खाली जगह हवा ले लेती है। इससे उसका आयतन या वॉल्यूम बढ़ जाती है और रिलेटिव डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है। वो डूबती नहीं, तैरती है। इसी तरह हवा से भरा रिंग या जैकेट हमें पानी के ऊपर आसानी से तैरने देता है। इसी तरह जब हम कल होकर पानी में जाते हैं तो हमारा आकार ऐसा हो जाता है कि बहुत कम पानी हमको ऊपर धक्का देता है। कम अपथ्रस्ट होने से हम डूब जाते हैं। तो बॉयंसी के सारे नियम तो क्लियर है। शेप और डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी चीज का वेट। हमने समझा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कहता है कि किसी भी चीज को किसी भी लिक्विड के अंदर फ्लोट करने के लिए अपने वजन जितना पानी डिस्प्लेस करना होता है। दीपिका, एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल मेरे दिमाग में आया है। क्या? पेड़ पौधों को, जानवरों को, मछलियों को कोई ये थोड़ी ना बताता है कि वाटर की बॉयंसी कितनी है, उन्हें कितना पानी डिस्प्लेस करना है। हाँ शिवम, नेचर में भी तो कितने तरीके से बॉयंसी अप्लाई होती होगी। केवल नेचर में ही नहीं, हर चीज में साइंस अप्लाई होती है। जैसे कि मेरा लावा लैंप, इसमें डालिए थोड़ा सा तेल। And then some colored water. बंद करिए और ये रहा। है ना कमाल की चीज। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी। जेट एरोप्लेन जितना बड़ा उसका शरीर और लंबाई इतनी कि एक के बाद एक 5 हाथी उसके अंदर लाइन में आ जाए। एक कार जितना बड़ा उसका दिल होता है और जीप एक हाथी जितनी लंबी। कितनी भारी और कितनी बड़ी होती है एक ब्लू व्हेल। सोचिए, अगर समुंदर में बॉयंसी ना होती तो आज ब्लू व्हेल भी ना होती। ब्लू व्हेल के भारी भरकम शरीर को सहारा देना अकेले स्केलेटन के बस की बात नहीं। ब्लू व्हेल को सहारा देता है उसके चारों तरफ का समुद्री पानी और उसकी बॉयंसी मतलब ऊपरी उछाल। ताज्जुब होगा सुनकर, लेकिन है सच कि पानी से बाहर आकर ब्लू व्हेल अपने ही वजन से दबकर मर जाएगी। मछलियों को भी पानी में रहना है। उनके शरीर में एक एयर ब्लैडर होता है, गुब्बारे जैसी एक थैली। जब मछलियों को पानी में ऊपर आना होता है तो इस थैली को हवा से भरकर अपनी रिलेटिव डेंसिटी वो कम कर लेती हैं। नीचे जाने के लिए उल्टा, थैली में हवा कम, रिलेटिव डेंसिटी पानी से ज्यादा। है ना कमाल? साइंस इज अमेजिंग। फिर चाहे वो प्रकृति में हो या किताबों में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी। हम अपने इस प्रोग्राम में फिर मिलेंगे बहुत सारे ट्रिक्स, अमेजिंग फैक्ट्स और केटू के साथ। लेकिन बाय कहने से पहले एक चैलेंज शिवम, तुम्हारे और आप सब के लिए भी। तुम और आप सब अपनी कोनी अपनी जीभ से नहीं छू सकते। ऑफ कोर्स छू सकते हैं दीपिका। नहीं छू सकते हो। आप सोच रही ये असंभव है, मैं करके दिखाऊंगा। अरे अरे अरे, ये मेरे अड्डे में फ्रॉगी की आवाज कहां से आ रही है? फ्रॉगी फ्रॉगी फ्रॉगी। अरे ये तो कुछ बोलता ही नहीं, पर हम आपको दिखाएंगे एक बोलने वाला फ्रॉगी। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल में डर नहीं लगता? डर कैसा? रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन है, तभी तो जीवन है। ये वर्षावन क्या होते हैं? उष्णकटिबंधी या टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले ये बड़े ही घने और विशाल प्रदेश हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 4000 मिलीमीटर की औसत वर्षा होती है। ये गर्म और आर्द यानी ह्यूमिड होते हैं। सूर्य की तेज धूप पानी को तुरंत ही वाष्पीभूत अर्थात इवापोरेट कर देती है। ये अत्यंत बहुमूल्य जीवन क्षेत्र है। यहाँ पृथ्वी के 40% प्राणी और वनस्पति जीते और पनपते हैं। इनमें कुछ तो अति दुर्लभ हैं। अब जैसे ये अजगर, आदिवासी लोग भी यहाँ रहते हैं। सीमांत खेती भी यहाँ होती है। 12 मास हरे रहने वाले और चौड़े पत्तों वाले वृक्षों से पूर्ण आच्छादित ये वर्षावन हमारी इकोसिस्टम के लिए बहुत ही मूल्यवान है। इनकी कटाई से रेगिस्तान विस्तार बढ़ता है, जो उपजाऊ भूमि को बंजर बना देता है। फिर तो वर्षावनों को बचाना होगा। बेशक, क्योंकि घास, लकड़ी, दवाइयाँ, खुराक और अन्य बहुत सी मूल्यवान वस्तुओं से भरे खजाने के समान है ये वर्षावन। मतलब जंगल है तो मंगल है। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS has been providing opportunities to youth for their development. Some of them have brought great laurels to the institute. With NIOS, many Divyang students have proved their strength. Join NIOS and make a difference. क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपकी उम्मीदों को नई ऊंचाई? क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपको घर बैठे जब चाहे तब एडमिशन की सुविधा? क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो आपको दे तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका? अगर आप नहीं जानते तो NIOS, NIOS, NIOS। जी हाँ, NIOS मात्र एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपके जीवन को उज्जवल भविष्य और सुगम राह। 25 लाख शिक्षार्थियों ने किया भरोसा इस शिक्षा संस्थान पर और किए आगे बढ़ने के मजबूत इरादे। जो देगा आपको घर बैठे शिक्षण सामग्री के साथ रेडियो व टेलीविजन कार्यक्रमों का सहयोग। अरे वाह, ऐसा सुनहरा अवसर और कहा। अब होगा सबका सपना साकार। यकीन नहीं होता, अब शिक्षित होना होगा इतना आसान। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश देने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं। क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।